प्रेरणादायक कहानी धुरभेड़िया ब्रह्मारण्य नामक एक वन था। उसमें कर्पूर तिलक नाम का एक बलशाली हाथी रहता था। देह में और शक्ति में सबसे बड़ा होने से वन में उसका बहुत रौब था। उसे देख सारे बाकी पशु प्राणी उससे दूर ही रहते थे। जब भी कर्पूर तिलक भूखा होता तो अपनी सूंड से पेड़ की टहनी आराम से तोड़ता और पत्ते मजे में खा लेता। तालाब के पास जाकर पानी पीता और पानी में बैठा रहता। एक तरह से वे ही उस वन का राजा ही था। कहे बिना सब पर उसका रौब था। वैसे न वो किसी को परेशान करता था न किसी के काम में दखल देता था, फिर भी कुछ जानवर उससे जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन सब ने मिलकर सोचा किसी तरह इस हाथी को सबक सिखाना चाहिए और इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। उसका इतना बड़ा शरीर है, उसे मारकर उसका मांस भी हम काफी दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हाथी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। किसमें है यह हिम्मत जो इस हाथी को मार सके? उनमें से एक भेड़िया अपनी गर्दन ऊंची करके कहने लगा, उससे लड़ाई करके तो मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता से मैं उसे जरूर मारने में कामयाब हो सकता हूँ। जब यह बात बाकी भेड़ियों ने सुनी तो सब खुश हो गए और सबने उसे अपनी करामत दिखाने की इजाजत दे दी। चतुर भेड़िया हाथी कर्पूर तिलक के पास गया और उसे प्रणाम किया। प्रणाम, आपकी कृपा हम पर सदा बनाए रखी। कर्पूर तिलक ने पूछा, कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरे पास किस काम से आए हो महाराज? मैं एक भेड़िया हूँ, मुझे जंगल के सारे प्राणियों ने आपके पास भेजा है। जंगल का राजा ही सबकी देखभाल करता है, उसी से जंगल की शान होती है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अपने जंगल में कोई राजा ही नहीं। हम सब ने मिलकर सोचा कि आप जैसे बलवान को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए, इसलिए राज्याभिषेक का मुहूर्त हमने निकाला है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं और हमारे जंगल के राजा बन सकते हैं। ऐसी राजा बनने की बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी? कर्पूर तिलक भी खुश हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कुछ भी नहीं था और एकदम राजा बन जाऊंगा, यह सोचकर उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों चल पड़े। भेड़िया कहने लगा, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है, जरा जल्दी चलना होगा हमें। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके पीछे कर्पूर तिलक भी जैसे बन पड़े भागने की कोशिश में लगा रहा। बीच में एक तालाब आया। उस तालाब में ऊपर ऊपर तो पानी दिखता था, लेकिन नीचे काफी दलदल था। भेड़िया छोटा होने के कारण कूदकर तालाब को पार कर गया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि कर्पूर तिलक कहाँ तक पहुँचा है। कर्पूर तिलक अपना भारी शरीर लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो दलदल में फंसता ही चला गया। निकल न पाने के कारण मैं वह भेड़िए को आवाज लगा रहा था, अरे दोस्त मुझे जरा मदद करोगे? मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भेड़िए का जवाब तो अलग ही आया, अरे मूर्ख हाथी, मुझ जैसे भेड़िए पर तुमने यकीन तो किया, लेकिन अब भुगतो और अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहो। मैं तो चला। ये कहकर भेड़िया खुशी से अपने साथियों को ये खुशखबरी देने के लिए दौड़ पड़ा। बेचारा कर्पूर तिलक, इसीलिए कहा गया है कि एकदम से किसी पर यकीन ना करने में ही भलाई हो।